बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम धनिए का पराठा बना रहे हैं, और जिसके लिए हमने धनिए की पहले चटनी तैयार करेंगे। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, जैसे नॉर्मल हम अपने घर का आटा गूंदते हैं वैसे ही मैंने नमक डाल के गूंद के रखा हुआ है। ये चक्की का आटा है, आप चाहे तो सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम चटनी तैयार कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा जीरा, और थोड़ा सा छोटा सा प्याज था, 5 हरी मिर्चें, 5 से 6 जवे लहसुन के, और नमक हमने थोड़ा सा लिया है चटनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। ये एक गट्टी मैंने रखी हुई है, ये हम ऐसे ही काटेंगे और ये इसकी फिलिंग करेंगे। चटनी के अलावा भी हमें धनिया चाहिए होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें डाल के हमने मशीन को चला देना है, इसमें पानी नहीं जाएगा। जैसे ही चटनी तैयार हो जाए हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम हरा धनिया जो एक और गट्टी थी उसको बारीक बारीक काट लेते हैं। धो के मैंने धनिया ड्राई कर लिया था, पानी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, अब हम पेड़े करते हैं छोटे छोटे। छोटे छोटे पेड़े करने के बाद अब हमने बेल लेना है। और ये जो मैंने हरी चटनी आपको बताई है, हरी चटनी लगा लें। यकीन करें बड़े ज़बरदस्त पराठे थे, लेकिन मेरे मुंह में पानी आ गया, चटनी के बहुत करारापन था। और थोड़ा सा हरा धनिया जो हमने काट के अलग से रखा था वो, और दूसरी तरफ जो हमने बेल के रखी हुई है रोटी, उसको भी थोड़ा सा हमने चटनी लगा देनी है, ताकि करारापन जो है वो दोनों साइड से पराठे में आए। अब थोड़ी सी हमने थोड़ा कम प्रेशर डाल के हमने थोड़ा सा बेल लेना है, तवे को ग्रीस कर लें। और इस पर हमने ऑयल से हमने पराठा बनाया, आप चाहे तो घी का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल का बनाया था, बहुत मज़े का बना था। दोनों साइड से पक जाए अच्छी तरह तो पराठे को उतार लें। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये देखें, दोनों पराठे हमने तैयार कर लिए हैं। बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धनिया का पराठा बहुत एक अच्छी सी एक रेसिपी है आपके लिए। धनिया के तो बहुत से फ़ायदे हैं, आप जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। हुण मैं पंजाबी दस दा, मैं 2 गट्ठियां पुदीने धनिया दियां लईआं सन, ते उहदे विच एक नूं कट लिया सी, एक दी चटनी बना रही सी, छोटे छोटे पेड़े कीते ने, ते उस तों बाद चटनी विच मिक्स करके ते लगाया वे, ते नाल ही धनिया भी कट के लगाया, ते तह बना के ते उहनूं मैं रोटी बनाई है नाल। फटाफट तैयार हो गई रोटी, ते तैयार करके ते तुसीं वी तैयार करके दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाल से याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।